नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। देश भर में नवरात्रों की धूम है और धर्मनगरी हरिद्वार में भी माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी कही जाने वाली माया देवी मंदिर में भी सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। माता के भक्त यहाँ पहुंचकर माया देवी के दर्शन कर रहे हैं। माया देवी मंदिर 52 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की नाभि का भाग गिरा था, इसलिए इस स्थल सभी 52 शक्ति पीठों का केंद्र माना जाता है। यहाँ साल भर श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि नवरात्रों के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जितनी भी शक्ति, ये तो हरिद्वार की शक्ति यही है, बाकी सभी शक्ति पीठों को उत्पत्ति केंद्र भी है, क्योंकि माता सती ने यहीं पर बैठकर शरीर का त्याग भी किया था। और माया नगरी नारद मोह के समय भी यही नगरी बनी थी। जब नारद को मोह हुआ था तो विष्णु भगवान ने यही नगरी बसाई थी, मायापुरी। जब से मायापुरी है। देखिए भैया, माता के नवरात्र शुरू हो चुके हैं और दूर दूर से श्रद्धालु लोग हरिद्वार आते हैं। जैसे हरिद्वार अतीत नगरी है, जिसमें हरिद्वार माया देवी मंदिर, मनसा देवी, चंडी देवी, गंगा मंदिर है, और जो दूर दूर से लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। देखो, माया देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और जो श्रद्धालु लोग आते हैं उनकी यहाँ से मनोकामना पूरी पूर्ण होती है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है ना, इसलिए काफी टाइम से है, तो इस वजह से हम हर साल यहीं आते हैं। यही मंदिर पे, मतलब हम को यही मंदिर आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा सुकून मिलता है और कुछ नहीं। तो ऐसी भीड़ रहती है क्योंकि है मंदिर में कुछ ऐसी बात की अलग लगता है, मतलब अच्छा लगता है। पूरी रुड़की यहाँ रुक रहा, हरिद्वार में जितने भी मंदिर अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा मंदिर है। मैया से जो मांगते हैं वो मंगन पूरी हो जाती है, जो मांगा है मुझे तो मिला है। और क्या बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ रोज आती हूँ मैं, और कहते रोज दर्शन करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। यहाँ सुबह शाम आती हूँ मैं यहाँ दर्शन करने, और अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है मुझे यहाँ। इसके लिए देखो, बहुत मानवता मंदिर है, यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, यहाँ सब आते हैं दर्शन करने के लिए। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रदेशवासियों को बधाइयां दी हैं। नमस्कार, हिंदू नववर्ष और आदिशक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के आराधना के पर्व चैत्र नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना और आराधना का यह नवरात्र पर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए, ऐसी मेरी माँ दुर्गा से कामना है। आप सभी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य में हम निरंतर अपनी माताओं और बहनों के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं, और हमारी सरकार प्रदेश में माताओं और बहनों के समग्र कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है, ताकि उन्हें और अधिक सामर्थ्यवान बनाया जा सके। एक बार पुनः आप सभी को चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्रि की शुरुआत को लेकर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है पहले दिन, और श्रद्धालुओं में, भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह देखने के लिए मिलता है इन 9 दिनों में। खासतौर पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए, बधाइयां देते हुए ये मनोकामना भी की है कि तमाम प्रदेशवासियों का जीवन सुख समृद्धि के साथ बीते। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड, जहां पर अनेकों ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां पर दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं, और अब चूंकि नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इस लिहाज से देखा जाए तो लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह बना हुआ है चैत्र नवरात्रि को लेकर। अलग अलग स्थलों से जो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही माता के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, मत्था टेकने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हुई है और पहले दिन
माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और उसको लेकर श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह रहता है। माया देवी मंदिर की बात करें, हरिद्वार की बात करें, अलग अलग स्थान ऐसे हैं उत्तराखंड में जहां पर 12 महीने यूं तो भीड़ रहती है, लेकिन चूंकि नवरात्रि का ये पावन पर्व है इस लिहाज से भीड़ अपने आप बढ़ जाती है। अधिष्ठात्री माया देवी मंदिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जहां पर किस तरह से तड़के से जो श्रद्धालुओं का तांता है वो लगा हुआ है। माना जाता है इस शक्तिपीठ को लेकर यहां माता सती का नाभि का भाग गिरा था, इस लिहाज से ये स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है और सिद्ध हो जाता है। कहा यह भी जाता है कि यही केंद्र है सभी शक्तिपीठों का, जो 51 शक्तिपीठ देश भर में मौजूद हैं उनको लेकर कहा जाता है कि यही केंद्र है सभी शक्तिपीठों का। एक तरफ तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिरों की, तो दूसरी तरफ देखिए सभी लोगों द्वारा ये प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के साथ साथ वीडियो संदेश भी जारी किया है, प्रदेशवासियों के लिए कामना की है सुख समृद्धि की, सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आए। मनोवांछित फल प्रदान करने वाली मां शैलपुत्री से प्रार्थना है कि आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आए। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट के माध्यम से सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। इसके साथ साथ उन्होंने वीडियो संदेश भी आज जारी किया और सभी को नवरात्रि की शुरुआत को लेकर शुभकामनाएं और बधाइयां देते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि सभी मंदिरों में ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि तमाम प्रदेशों में आज इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर खास तौर पर सजावट की गई है नवरात्रि को लेकर, फूलों से सजाया गया है माता के दरबार को, मंदिरों में खास तरह की सजावट देखने के लिए मिल रही है, श्रद्धालुओं में भी उत्साह बना हुआ है। और हल्द्वानी से हमारे सहयोगी संजय प्रसाद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। संजय, किस तरह से उत्साह नजर आ रहा है श्रद्धालुओं में नवरात्रि की शुरुआत पर? जी हल्द्वानी में नवरात्रि को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मंदिरों की बात करें तो मंदिरों में लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार आज से जो चैत्र नवरात्र की जो शुरुआत हुई है 9 संवत्सर की शुरुआत हुई है और इससे श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ में छोटे बच्चे महिलाएं पुरुष सारी संख्या में जो है वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और पूजा अर्चना की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका इस पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि तमाम लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों की तरफ, मंदिरों में दर्शन करने के लिए उमड़ रही है भीड़ सुबह से ही। आज पहला नवरात्रा है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है, ऐसे में लोग व्रत भी रखते हैं और इसको लेकर काफी ज्यादा तैयारियां देखने के लिए मिल रही हैं तमाम जगहों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी नवरात्रि की। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुनावों से जुड़ी हुई खबरों की। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से जो सामने आ रही है, पूर्व केंद्रीय मंत्री वीके सिंह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वीके सिंह आज प्रदेश में 2 रैलियां करते हुए नजर आएंगे, रुड़की और कोटद्वार में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। 12 अप्रैल को बीजेपी के 2 नेताओं का उत्तराखंड दौरा है जिसमें देखिए बड़े बड़े नेता भी उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और प्रचार करते हुए नजर आएंगे। रक्षा मंत्री 12 अप्रैल को 3 रैलियां करेंगे, गौचर, लोहाघाट, काशीपुर में चुनावी रैलियां करते नजर आएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मनोज तिवारी का 12 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा है। देहरादून, धर्मपुर, लालकुआं, रुद्रपुर में मनोज तिवारी करेंगे रैली।
तो एक के बाद एक तमाम बड़े नेताओं की ओर से उत्तराखंड की धरती पर जो चुनावी हुंकार है वो भरी जा रही है। और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो एक के बाद एक तमाम बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय, जहां पर पूर्व बीजेपी नेता अब वर्तमान में दोबारा से कांग्रेसी हो चुके हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। देखिए बड़ा मंच तैयार किया गया है जिसमें प्रदेश कांग्रेस के भी एक के बाद एक बड़े चेहरे नजर आ रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में हो चुके हैं शामिल। ये मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस घटनाक्रम को काफी बड़ा माना जा रहा है। करीब 10 साल बीजेपी की राजनीति चौधरी बीरेंद्र सिंह ने की, अब वो शामिल हो चुके हैं दोबारा से कांग्रेस में। और देखिए पूर्व विधायक प्रेमलता यानी उनकी पत्नी भी शामिल हुई है कांग्रेस पार्टी में। उनके सांसद बेटे ब्रजेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस का हाथ पकड़ चुके हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान इन तस्वीरों में है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा इन तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ेंगे। कैप्टन अजय यादव को देखिए और साथ ही साथ रणदीप सुरजेवाला जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं खास तौर पर हरियाणा के, वो तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और बहुत कुछ बयां करता है दर्शाता है। देखिए अब पार्टी का पट्टा पहनाकर पूर्व विधायक का स्वागत करते हुए पार्टी में प्रेमलता जो विधायक रही है हरियाणा में। हरियाणा के लिहाज से यह राजनीतिक घटनाक्रम काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं इस मंच पर, जिनका आज यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश हो रहा है। वे चौधरी बीरेंद्र सिंह साहब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की सचिव कुमारी सेलजा जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के। और एक बार फिर से करते हैं उत्तराखंड की खबरों का सीधा आपको पौड़ी लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए विधायक सुनिश्चित हो गया, आने वाले समय में हमारी बहनें हर क्षेत्र में जाएंगी, हमारी महिलाएं हर क्षेत्र में जाएंगी। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम मोदी जी ने किए हैं, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, आप सब जानते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, एक आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए, एक विकसित राज्य बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बहुत सारे फैसले हमने लिए हैं, बहुत सारे नए कानून बनाए हैं, बहुत सारी नई नीतियां बनाई हैं, बहुत सारे चैलेंज आए, उन चैलेंजों को स्वीकार करते हुए, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े हैं। आप सबके आशीर्वाद से उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार एक इस राज्य में एक नेता था, एक परिवार थी कि हर बार सरकार बदल जाती है, अभी चुनाव आ रहा है। पहला चुनाव 2022 में जो हुआ ये ऐसा चुनाव है जिसने उत्तराखंड के इतिहास को बदल दिया। एक ही पार्टी की सरकार पहले थी, फिर से आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर दोबारा सरकार में आने का अवसर प्रदान कर दिया। हमने आपसे जो भी वायदे किए, जो भी संकल्प किए हैं, उन सबको हम एक एक करके आगे बढ़ा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने कहा था हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। समान नागरिक संहिता हमारा पहला काम होगा नई सरकार के गठन होते ही। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि नई सरकार गठन होते ही हमने जो सबसे पहले फैसला लिया था समान नागरिक संहिता की कमेटी बनाने के लिए लिया था। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमने जो आपसे वायदा किया था, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम उस चुनाव में गए थे और मोदी जी की गारंटी आज पूरे देश में उनकी गारंटी ही गारंटी पूरी होने की गारंटी है। एक यह भी गारंटी उत्तराखंड के अंदर पूरी हुई कि समान नागरिक संहिता का यहाँ पर विधेयक बन गया, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको हमको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके साथ साथ एक लंबा लंबा कालखंड यहाँ हमारे जो भाई बहन परीक्षाओं में भाग लेते थे, सरकारी नौकरियों में अपनी परीक्षाएं देते थे, उसमें चयन के लिए नहीं होता था। आपने देखा किस प्रकार से नकल माफिया हावी थे, नकल माफियाओं के कारण से ईमानदार हमारे जो गरीब
माता पिता के बेटे और बेटियां थे, उनके अंदर योग्यता प्रतिभा क्षमता होने के बावजूद भी उनका नंबर नहीं आता था भाइयों में। और जैसे इसकी शिकायत थी, जैसे ये प्रकरण सामने आया, हमने कहा कि लंबे समय से नगर माता का खेल चल रहा है, ये खेल अब हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के हक में नहीं है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, गरीब माता पिताओं के साथ उनकी ईमानदारी पर डाटा डाल रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है, इसलिए हम इस पर कार्रवाई करेंगे भाइयों बहनों। आज कई सैकड़ों लोगों के लगभग लोग जो है जेल की सलाखों के पीछे चले गए, नकल का अध्यादेश हम लेकर आए, उसका परिणाम हुआ कि हमने जो कैलेंडर जारी किया था वो कैलेंडर हमारा पूरी तरह से लागू हो गया। पिछले दो सालों में आपने देखा होगा कई हजार नियुक्तियां बिल्कुल पारदर्शिता के साथ हुई है, बिल्कुल ईमानदारी के साथ हुई है। जो भी बेटे बेटियां हमारे योग्य हैं, क्षमतावान है, प्रतिभावान है, उनका नंबर आ रहा है, बिना किसी भेदभाव के आ रहा है, बिना किसी पक्षपात के आ रहा है। और बहुत सारे हमारे ऐसे बेटे और बेटियां हैं, ऐसे हमारे भाई बहन है गरीब माता पिता के बेटे बेटियां कि जिनका एक परीक्षा में नंबर आ रहा है, एक में चयन हो गया, एक में उन्होंने परीक्षा दी, एक में चयन हो गया, दूसरी में दिया, दूसरा में भी चयन हो गया, तीसरी में दिया, तीसरी में भी दे दिया, चार चार परीक्षाओं में। और कुछ तो ऐसे भी है जिनका पांच पांच परीक्षाएं एक साथ उन्होंने उत्तीर्ण की है भाइयों बहनों, तो ये इसीलिए संभव हो पाया कि नकल का अध्यादेश यहां लागू हुआ। हमारे नौजवानों का युवाओं का स्वप्न हमारों का मुद्दा है, क्योंकि उनको पता है अगर हम ठीक प्रयास करेंगे प्रयास करेंगे तो हमको निश्चित रूप से चयन का अवसर। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे इस वक्त की एक बड़ी जानकारी का। ब्रेकिंग न्यूज अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है, सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं, पौड़ी, उत्तरकाशी और हरिद्वार के दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। धूमाकोट बाजार पौड़ी में जनसभा करेंगे, लोकसभा चुनाव को लगातार धार दे रहे हैं सीएम। 2 बजे सीएम पहुंचेंगे चिन्यालीसौड़ और चिन्यालीसौड़ में रोड शो का आयोजन किया जाएगा, जनसभा भी होगी। 4 बजे धामी पहुंचेंगे हरिद्वार, बादशाहपुर में आयोजित रैली को वो संबोधित करते नजर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लगातार धार दे रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। पहले फेज में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान कराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश में जनसभा करेंगे, इसको लेकर तैयारियां लगातार जारी हैं। तो वहीं इस दौरान आईडीपीएल मैदान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भूमि पूजन किया। आपको बता दें कि बीजेपी की ऋषिकेश में रैली के जरिए 23 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश है, साथ ही तीनों गढ़वाल की सीटें टिहरी, गढ़वाल और हरिद्वार इस रैली के जरिए कवर की जाएंगी। आपको बता दें कि पहले पीएम मोदी की रैली हरिद्वार में प्रस्तावित थी, लेकिन अब आईडीपीएल ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली को फाइनल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के अंतर्गत मारक मदरांड में आयोजित जनसभा में शिरकत की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा यह चुनाव विकसित भारत, शक्तिशाली भारत, सीमाओं को मजबूत करने, मातृशक्ति को सशक्त करने, 2047 तक सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने का चुनाव है। उसमें मातृशक्ति हमारी महिलाओं का बहुत योगदान होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है, इसलिए हमने तय किया कि हमने मातृशक्ति के साथ जो जो भी संकल्प लिए हैं, हमने कहा था हम नई परिवारों को नई सरकार के गठन होते ही 3 सिलेंडर रिफिल करके मुफ्त में देंगे, ये योजना हमने लागू कर दी भाइयों बहनों। 1,82,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, महिलाओं को जहां हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत की संसद में नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित कर दिया, 33% का आरक्षण सुनिश्चित कर दिया, उत्तराखंड की विधानसभा में भी हमने विधेयक लाकर 30% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है भाइयों बहनों।
लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को प्रदेश में मतदान होगा और इससे पहले विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इस कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष केदार जोशी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई नीति नहीं है, उनकी खुद की पार्टी के नेता उन्हें आलसी बता रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24/7 365 दिन काम करने वाला दल है और हमेशा हम चुनाव की तैयारी में रहते हैं और किसी भी चुनाव को हमारी पार्टी ने, आप कभी का भी वो ले लीजिए, इसको हल्के में नहीं लिया है। हमारी पार्टी का चुनाव लड़ने का जो सिस्टम है, जो तरीका है, जैसे का तैसा है। हमारे सारे स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह जी, योगी जी और बड़े बड़े लोग यहाँ पर आने वाले हैं। सबकी तिथियाँ लगभग तय हो चुकी हैं। माननीय मोदी जी के दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है, अमित शाह जी का कार्यक्रम होगा। कांग्रेस के पास कार्यक्रम भी नहीं रहे और उनके नेताओं में भी कोई उत्साह नहीं रहा, उनका नेतृत्व ही उत्साहहीन हो गया है। कांग्रेस आज नेतृत्वहीन है।